ये लिखा हुआ है शहजी, इसको हाथ नहीं लगा, इसको खोल भी दिया तुम। F7PG पाकिस्तान एयरफोर्स। मुझे जुनैद भाई ये बताओ, सबने मुझे परफ्यूम क्यों दी थी? इसका नाम है मलाई खाजा है? और हाँ है? हाँ, ये कल घड़ी बनाई गई थी मुझे, ये लिफाफे हैं जिनमें से पैसे निकाल लिए। इतने गिफ्ट क्यों आए हैं? इतने गिफ्ट क्यों? मेरा हकीका था कल। अरे ये तो पता ही, तू हार क्यों पहना हुआ है? मैं कल का दिन भुला नहीं पा रहा जुनैद भाई। ओह, इतने लोग, 200 अफराद से 400 अफराद पे सब पहुंच गए, ये कैसे हुआ ये? अरे ये तो पता ही, तू हार क्यों पहना हुआ है? मैं कल का दिन भुला नहीं पा रहा जुनैद भाई। ये बात तो है यार, ये चीजें 3 साल से मैं भी नहीं भुला पा रहा। क्या मतलब है तेरा? इतने गिफ्ट क्यों आए हैं? इतने गिफ्ट क्यों? मेरा हकीका था कल। अबे भाई ये देखो, मिठाई के डब्बे, इतने गिफ्ट, और भाई ये तो आप देख के समझ जाओ क्या चीज है। एंगेजमेंट लग तो पाया नहीं है क्या? ये एक दो आए थे, ये एक ही ऐसी रह गई, ये मैं लेके आया था, मेरे वाला लगा नहीं, जो घर वाला आया था उनका रख दिया, पैसे था वो। माशाल्लाह से भाई के देखो, इतने सारे पैसे आ गए। ये लिफाफे हैं जिनमें से पैसे निकाल लिए। खाली है ये? खाली है, कर लिए खाली। हाँ ये कल ये रात में ही सब कुछ खाली थी, नहीं सब हो गया, मुझे पता ही चला, पैसे यहाँ गए पैसे वहाँ गए। खैर हम लोग जब तक इसकी सेटिंग बना रहे हैं, आप लोग जाके एक छोटा सा प्रोमो देंगे। कैसा लगा आप लोगों को प्रोवो? और ये तो इसको हाथ नहीं लगा, इसको खोल भी दिया तुमने। इसमें क्या है? इसमें क्या मतलब है? क्या है मैं चल बे, ये बताए किसने दिया बताऊं? अरे ये देखिए जरा, ये लिखा हुआ है शहजी और ये है कोबरा। तू तो नदी वाला साहब है, तो ये सुनाइए जरा कैसा है। मोजे सुनने आ रहे कैसे, कहाँ लगाते हैं, कहाँ मुंह खोल, ये कैसे लगाइए हम। कोबरा नाम क्यों है इसका, मतलब कोबरा भी मिलाते हैं? मतलब उसने क्यों दिया ये? मेरे साथ बहुत सारे सांप है ना, उनको मारने का ये फॉर्मूला है। जमीन बोला सांप को मारने के लिए कोबरा दो। माय गॉड, वॉलेट दिया है और ये दिया है फॉर वन एंड ओनली खालू यूसुफ। ये शाल लगा हुआ है, नाम क्या है इसकी? शाह के शाल लगा हुआ है। ये हो गया, ये देखा। अच्छा ये जो है ना, माय गॉड, ये कल घड़ी बनाई गई थी मुझे, लेकिन मैंने ये घड़ी उतार के वापसी एलिटेस रख दी थी। ये जैसे कि आप देखिए, ये वाली घड़ी थी, तो तुमने तो सोच लिया भाई डब्बा मैं गाड़ के ले जाऊंगा। मैं सोच रहा था इसमें जगह अच्छी बनी है इसके अंदर इस चीज की। और ये है मिठाई, और बड़ी मेरी फेवरेट है ये, इसका नाम है मलाई खाजा है? और हाँ है? हाँ क्या मलाई खाजा? अबे मिठाई का नाम है मलाई खाजा, क्या मिठाई का नाम मलाई खाजा? मैंने तो मुझे बोल रहे हैं मलाई खाजा। चल यार मेरा मुंह मीठा करवा दे, मेरे चेक कर लो। मुझे क्यों आएगी तू? अब किसी ने किसी को भेज देगा। अब ये काफी लोग झूठा खाने की आदत होती है ना। और ये सूट आएगा नहीं तुम्हें, अफसोस इस बात का नहीं, मैं फिटिंग करवा लूंगा। ये परफ्यूम है, परफ्यूम दिया है फहद ब्रांड, ये मेरे इनका साले, इनके जो साले शरीफ है ना, ये उन्होंने गिफ्ट दिया। असल में इनकी जब शादी हुई थी तो वो सारे हमारे दोस्त यार भी थे, तो उन्होंने वहीं पे टांगा भिड़ाया इनकी वहाँ शादी को। माशाल्लाह दो छोटे छोटे बच्चे हैं। सब रात बता दे तू, पूरी कहानी बता दे, एक काम करे, एक घंटे की पूरी फिल्म बता दे, तू क्या होगा तो दिखा भाई, खोल के क्यों दिखा? तू फ्री में सारे परफ्यूम लगा जा। मुझे जुनैद भाई ये बताओ, सबने मुझे परफ्यूम क्यों दी थी? कोई ना कोई तो वजह है।
तो बहुत करीब होता है लोगों के, तो हमको लगता है कि तुझे परफ्यूम की जरूरत है। दुकान भी खुल सकती है, परफ्यूम तुझे बहुत मिला है भाई। आधे गिफ्ट तो मुझे नहीं मिल रहे कि पता नहीं कहाँ चले, घर में इस टाइम कोई भी नहीं है। अलीजा बिलाल ये दिया है मेरे साले की बेटी। ओह माशाल्लाह। अच्छा साले की इंग्लिश क्या है? ब्रदर इन लॉ। अरबी लिखी हुई। किस्सा तो बता, तू दुबई गया था, क्या हुआ था भाई? एक बार दुबई गया, वहाँ पे शेख एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कमी ना तुम हाज जलीला तुम, यहाँ बराबर में खड़ा होकर बोल रहे आमीन आमीन। तो बता दो आपस में लोग कुछ अरबी बोल रहे थे, बोला मेले भी दो करना, बोला भाग के बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। तो ठंडी कॉमेडी। अबे ये भी परफ्यूम है यार, पासवर्ड लगा देता इसके अंदर। और एक प्रॉपर एंगेजमेंट का ब्लॉग भी डल चुका है, जाइए देखिए। और एंगेजमेंट मिला, एक एंगेजमेंट की तैयारी चल रही थी, वो भी ब्लॉग अपलोड हो चुका है। एक काम करो, आधी आधी मुझे एक बोतल में निकाल के दे दियो। अच्छा नहीं नहीं भाई, अच्छी लगी है स्मेल इसकी, जो अच्छी है स्मेल। छोड़ स्मेल, सारा फ्रेगरेंस होती है स्मेल। ठीक है मुझे बता, इसमें तो मैं एंड में आऊंगा यार। गिफ्ट बहुत सारे थे, लिटरली रखने की जगह नहीं थी। लेकिन ये पता नहीं जुनैद किसने दिया है, या इसका कार्ड टैग हट गया ऊपर से, क्या हुआ? ये मैंने खोला ही नहीं, मैंने ऊपर से खोला भाई। इसमें भी अरबी लिखी हुई है, अरबी लिखी हुई है। तो अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये आपका है। अगर क्योंकि मुझे इस पे कार्ड नहीं मिला, और ऐसे 3-4 गिफ्ट हैं जिस पे मुझे कार्ड नहीं मिला, हो सकता है वो कार्ड हट गया हो। ये दिया है जुनैद साहब ने, ये है हमारे PF म्यूजियम के इंचार्ज हैं। और मैं नाम दे देगा जुनैद साहब, बहुत तेरे को इतना मोसिस बना दूँ मैं। जुनैद साहब साफ बोलते साफ। हाँ नहीं तू साफ नहीं है ना यार। ये देखें सबसे पहले तो ज़बरदस्त पाकिस्तान एयरफोर्स PF म्यूजियम के जो पूरा म्यूजियम है उसके इंचार्ज हैं ये। और लिटरली जब मैंने गिफ्ट ऐसे खोला ना तो मेरा दिल खुश हो गया। तूने ये देखा ना, देखो मैं दिखा दूँ सबसे। जब हम म्यूजियम जाते हैं बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिलता है। और जुनैद साहब थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। और ये देखें ये है, और इसके अंदर पता नहीं क्या पकड़ी, यहाँ से बैठा तो नहीं लेकिन पकड़ लिया इस पर दवा। लिखा हुआ है F7PG पाकिस्तान एयरफोर्स। बहुत अच्छा दिया, लिटरली ये बहुत अच्छा लगा। ये देख के तो मैं सोच रहा हूँ मैं एक मंगनी दोबारा कर लूँ। मुझे किससे भी कर लें, देख रही होगी तेरी बहुत। नहीं, अच्छा फ्रूट वगैरह भी थे और केक वगैरह भी थे, बहुत सारी चीजें थी, वो सब मैं दिखा नहीं सकता। इमाम जामिन बहुत सब कुछ था, और थोड़े फ्रूट वहाँ रखे हुए लेकिन वो अलग ही तरीके से रखे, पहले पैक आए थे। ये लिफाफे आधे गायब हुए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब नया दौर आ गया है, बंदा ये करे कि एक बार कोड लगा दे दूल्हा के साथ में, और जो बंदा है वो बैठे साथ स्कैन करे और पैसा अकाउंट में, छप्पड़ हिसाब किताब दूल्हा के अकाउंट में पैसा। सब ज्यादा दुख जब होता है ना कि दूल्हा आगे पीछे हुआ, और कुछ वो दोस्त यारों की जो होते हैं ना, वो दूल्हा की अम्मा को देते, दूल्हा के अब्बा को देते, वो दूल्हा की अम्मा ने आपने वो बैग में, यही तो हुआ है वहाँ पे, पता नहीं किस किस के हाथ में पकड़ाएगा। खैर थैंक यू सो मच जो जो आया, अगर जो जो मेरी फैमिली में भी देख रहा है। ये सबसे पहले जो मेरे ससुराल का था, बहुत बड़ा नोट ये बहुत सारे लिफाफे हैं। अजी सीन तो कुछ ऐसा हो गया है, बहुत हो गया यार, लेकिन मन कर इतना काम किया मैंने, इतना तो मैंने अपनी शादी में भी काम नहीं किया। लेकिन तेरी शादी में बारिश इसकी माँ मेहंदी को VIP सेटअप लगाया फुल ना, अपना वो रंगोली, अपना डांस फ्लोर, ड्रेसिंग, ये पेयर, इतने आर्टिस्ट टाइप की शादी में, इतने सारे टिकटॉकर, अपना यार कराची के जो मशहूर टिकटॉकर थे 3 साल पहले, सारा टिकटॉकर मौजूद। और मैं सिद्दीकी बहुत हम लोग शायरी में जुगलबंदी कर रहे हैं, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था वो माइयों हो ना, ऊपर से जब बारान रहमत बरसी ना तो तितर बितर हो गया। तब ने सब अलीम खा रहे थे, अलीम जो है ना बहुत, एक बंदा मुझे बोलता है अलीम बहुत गाड़ी है। जब बारिश स्टार्ट हुई तो मुझे बोल रहा यार ये अलीम कितनी पतली हो गई। अरे में सीन ऐसा हुआ कि सबसे पहले उन्होंने चलाए गोलगप्पे, चाट और जूस ये सारे उन्होंने स्टार्टर के अंदर रखा ना, तो माशाल्लाह एक ही गंडी थी ना असल में इसने, इसी पे खर्चा कर दिया। खाने की बारी आई तो फिर मसला हो गया, तो फिर हमने जो बैंक्वेट था ना, फिर हमने वो फटाफट बैंक्वेट करवाया, वहाँ पे लाइटें ऑन कर, इत्तफाकन अल्लाह का ऐसा करना था उस टाइम जुनैद भाई के बैंक्वेट बुक ही नहीं था, खाली था,
और वो वीकडेज में नहीं था, वीकेंड का कोई दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार कोई दिन था, तो वो तबाद से बैंक्वेट खाली था और बैंक्वेट बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे फिर हमने खाने का अरेंजमेंट किया, उन्होंने प्लेटें वगैरह हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें। तो इसकी बेटी, इसका बेटा, इसकी बेगम बेगम का तो कुछ पता नहीं ना, वो मेरे सामने में पैदा नहीं, तो बताया मैं फर्स्ट एनिवर्सरी भी थी और फिर बेटी की बर्थडे भी उसी दिन की थी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, देखिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पाक जात का कि अल्लाह ताला ने इतना साथ दिया। और बहुत अच्छा, आधे ज्यादा लोग तो मुझे मैसेज कर रहे शादी मुबारक जिसके और प्रोमो लगाया उसमें आपको देख के शायद हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये बारात हो रहा है या वलीमा है, हाँ मतलब आपको लगेगा नहीं एक एंगेजमेंट है। देखिए हर बंदे ने पिक्चर लगाई स्टेटस पे तो उसको देख के यही लग रहा है कि शायद कोई बंदे ने शादी कर ली है, मतलब ज्यादातर को ये मैसेज आ चुके हैं मुबारक उन्होंने शादी कर ली, बुलाया नहीं, बुलाने के बावजूद आप जाके देखते तो आपने वीडियो में देखा कितना क्राउड है, अगर बुलाते तो मुझे लग रहा है शायद वो जीना ग्राउंड कराना पड़ जाता। जो देख रहे हैं ब्लॉग जो जो जिसने शिरकत की थी जो जो आया था, थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने इतना हल्ला गुल्ला करवाया। मेरी गैदरिंग जुनेद भाई के घर वाले हम लोग सारे मिली बांट के हमने बहुत अच्छा इवेंट किया, उम्मीद से कोई 100 गुना अच्छा काम हो गया, बड़े काम हो गए। और इसी तरीके से ब्लॉग देखते रहिए, ब्लॉग आते रहेंगे, कोई जुनेद भाई 13 Pro Max खरीद लिया बता दे, यानी कि मैं कल जाते हूं जब कोई देख ले और बोले हाँ भाई जरा साइड में आ जाओ जरा बात करनी है कोई, क्या बात करेगा वो, यही बोलेंगे बताई थी वो दे दो हमें। दो ब्लॉग डाल चुका हूँ, एक प्रिपरेशन का डाला है सराउंड से और फिर एक और ब्लॉग है जो पूरी इंगेजमेंट का है, और ये है थर्ड ब्लॉग जिसमें मैंने आपको सब चीजें दिखा दी। एंड थैंक यू सो मच आपका, तुम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।